Mega Zoom. एक कारण यह भी है जिसके वजह से समस्या जो की त्यों बनी हुई है। अब जब आप घर से चलकर के यहाँ आए ही तो कम से कम आधा घंटा एक घंटे आराम से बैठो लो, जो इस सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं उनका मनोबल तो बढ़ा रहेगा। मेरे मनोबल पर क्या असर पड़ेगा भाई, हम आए हैं किसी तरीके से इसका समाधान करा और जिसकी जरूरत है उसको गर्मी लग रही है, तो इतना तो कम से कम आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो आए हैं ज़्यादा देर तक यह कार्यवाही चलने वाली है नहीं, उतनी देर तक तो आप बैठ जाएं यहाँ पर। मैं जानता हूँ कि गर्मी बहुत है और बेहतर हाल होना चाहिए था, दूसरा हाल होना चाहिए, लेकिन कभी कभी कष्ट उठाना पड़ता। जब कष्ट उठा के आप आ ही गए हो तो थोड़ा सा कष्ट और भी उठा लो ताकि उपस्थिति अच्छी नजर आए, उत्साह बना रहे, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। धन्यवाद। सचिन बाहर खड़े हैं, कह भी रहे हैं और या उधर पीछे मैडम सीमा राजी IRS और यहाँ पे जितने भी मेंबर्स आए हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मुझे देखिए, मैं आप लोग को बार बार बुलाती हूँ और आप लोग इतनी गर्मी में आते हैं, ये लगता है जब आप परेशान होते हैं, पर कहीं ना कहीं जो हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें हम भी खुश होते हैं, हमें भी उत्साह आता है कि हाँ हमारे साथ हमारे बहन भाई साथ में हैं। और मॉरल सपोर्ट की इस समय बहुत ज़रूरत है और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, ये जो भी मीटिंग है और ये पूरा इलेक्शन मैडम मिसेस सीमा राज की अध्यक्षता में चुनाव हो रहा है और हम सारी टीम आपके साथ आपके समक्ष है, उनके अंदर है और हम ये चाहते हैं जैसे डॉक्टर पुनीत राज जी ने हमारा समय समय पे हमें गाइडेंस दी, साथ दिया, CM साहब से मिलाया और वो आगे भी हमारा साथ दें तो हम लोग अपनी मंजिल में जरूर पहुंचेंगे। देखिए कॉपरेटिव का मीनिंग क्या होता है, सरस्वती सोसाइटी एक कॉपरेटिव सोसाइटी है, इसका मीनिंग क्या होता है कॉपरेशन। और यहाँ पे क्या होता है, हम एक दूसरे की हाथ खींचते हैं, टांग खींचते हैं, उससे हाथ टांग खींचने से क्या होता है, जो हम मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं वो हम पहुँच नहीं पाते। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करें और हम एक और एक 11 बने, 11 में बहुत ताकत है और अगर हम यूनाइट होंगे तो हम मंजिल पे जरूर पहुँचेंगे। देखिए सरकार आपके साथ है, ब्यूरोक्रेसी आपके साथ है और एक्सपीरियंस आपके साथ है, तीनों चीज जब साथ लग जाती है तो मंजिल दूर नहीं। पर आप ट्रस्ट रखिए प्लीज, किसी भी ह्यूमन में इधर उधर मत जाइए, ह्यूमन आपको खराब करती है, हमें खराब करती है, कहीं ना कहीं हम आपको भी तोड़ती है और आप ट्रस्ट रखिए, कभी भी हम आपका ट्रस्ट टूटने नहीं देंगे। मैं पिछले 10 सालों से आप सबके बीच में हूँ और आज जो भी हूँगा मेरी स्ट्रेंथ आप हैं। मैं भी बहुत बार टूटती हूँ, बहुत बार गिरती हूँ, पर जो आप लोग मेरे को फोन करते रहते हैं, पूछते हैं और उत्साहित करते हैं, मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, जिसका नतीजा है कि आज भी मैं उसी मजबूती के साथ खड़ी हूँ, मैं मजबूती में कम नहीं हूँ किसी से। और देखिए मैं हमारा पूरा मकसद यही है कि जुडिशियल कमीशन बैठे और मैडम की अध्यक्षता में जो सोसाइटी की कमेटी बनेगी वो काम चले, जिससे सोसाइटी का काम सुचारू रूप से चले और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे सोसाइटी में। लोगों को बहुत लोग ह्यूमर के शिकार होके परेशान हो जाते हैं, तो प्लीज आप कभी भी ह्यूमर में मत जाइएगा, जो भी आपको डाउट हो आप जरूर प्लीज उस डाउट को क्लियर करिए और जब तक प्रूफ ना देखिए तो लोगों की बात में मत बहकिएगा। और दूसरा मैं आपके साथ आपको बताती हूँ कि हमारे
कमेटी का देखिए मेन लक्ष्य ये है, जब भी कमेटी फॉर्म हो जाएगी और वो कमेटी फॉर्म होने से कोई नहीं रोक सकती, क्योंकि